नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौल जी में। तो दोस्तों, हम करेंगे खेल उनसे संबंधित दोस्तों शब्दावलियाँ, जो आप टर्मोलॉजी होती हैं दोस्तों, जो खेलों में प्रयोग होती हैं। तो दोस्तों वो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों, इसके हम 20 क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो कि आपके पूछने कि पूरी संभावना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? कराटे, गोल्फ, बेसबॉल, शतरंज। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोल्फ। जो आयरन शब्द है वो गोल्फ से दोस्तों संबंधित है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट जो शब्द हैं दोस्तों वो किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। तो बताएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉन टेनिस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है। बिशप शब्द दोस्तों बताना है आपको किस खेल से संबंधित है? ब्रिज, शतरंज, गोल्फ, पोलो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शतरंज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। चाइना मैन शब्द दोस्तों बताना है आपको किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जूडो। तो ये जो संबंधित हो जाएगा चाइना मैन शब्द, क्रिकेट से आप दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम में कुलदीप यादव को जानते होंगे, उनके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों चाइना में शब्द। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्यूज शब्द किस खेल से संबंधित है। ड्यूज शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स। तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ड्यूज जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो लॉन टेनिस से संबंधित है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है। मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, पोलो, बिलियर्ड्स, ब्रिज। तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोलो। मैलेट शब्द किससे? पोलो से संबंधित हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है। लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रिज, पोलो, गोल्फ, टेनिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिटिल स्लैम और ग्रैंड स्लैम दोस्तों किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके ब्रिज से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है। गोल्फ, पोलो, ब्रिज, शतरंज। तो जो गैम्बिट शब्द है वो हो जाएगा आपका शतरंज से संबंधित, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है। कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स, स्नूकर, ब्रिज, शतरंज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिलियर्ड्स। किससे हो जाएगा ये? कैनन शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रिज, गोल्फ, क्रिकेट, टेनिस। ब्रिज, गोल्फ, क्रिकेट, टेनिस। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टेनिस। कैसे हो जाएगा? टेनिस से संबंधित। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एसएच शब्द किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी। तो बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो एसएच है वो क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। किससे दोस्तों? क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है नॉक आउट शब्द किस खेल से संबंधित है। नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, घुड़सवारी, निशानेबाजी, तीरंदाजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी। नॉकआउट किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध है। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस में दोस्तों यूज किया जाता है? तैराकी से, मुक्केबाजी में, कुश्ती में, या कबड्डी से। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तैराकी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस खेल में
हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता, हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता। क्रिकेट, क्रिकेट में दोस्तों होता है, चाहे छः बॉल दोस्तों तीन बॉलों पर सिक्स सिक्स लग जाए तो हैट्रिक हो जाएगा, तीन बॉलों पर विकेट मिल जाए दोस्तों लगातार तो वो हैट्रिक हो जाएगा, फोर मिल जाए तो हैट्रिक हो जाता है। तो इस तरीके से ये हैट्रिक बोला जाता है, जो चीज़ तीन बार दोस्तों लगातार होती है उसको हैट्रिक कहते हैं। और हॉकी में भी दोस्तों होता है, फुटबॉल में भी, किस में नहीं होता, लॉन टेनिस में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, पोलो, शूटिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शूटिंग। बुल्स आई दोस्तों इसका शूटिंग राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट दिया हुआ गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ। तो दोस्तों गुगली किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्रिकेट से। गुगली क्या होता है दोस्तों, जो बॉल होता है दोस्तों उसको जो स्पिनर बॉलर होता है गेंदबाज वो गुगली बॉल डालता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्यू किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेसबॉल, बिलियर्ड्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, बिलियर्ड्स। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है टी पू के डी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है, टी पू के डी आदि शब्दावली, गोल, पोलो, ब्रिज, स्क्वैश। तो बताएं दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी पू के डी। तो ये हो जाएगा आपका गोल्फ से संबंधित, किससे, गोल्फ से संबंधित। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल, टेनिस, तैराकी, वॉलीबॉल। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तैराकी, क्या, ऑप्शन सी, तैराकी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जिगर्स किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, टेनिस, शतरंज, गोल्फ। दोस्तों ये जो संबंधित हो जाएगा ये गोल्फ से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके दोस्तों 20 क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।